हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर कविंद्र आप सबका स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोशन सिकनेस यानी सफ़र के दौरान उल्टी होने की समस्या के बारे में। इसको ट्रैवल सिकनेस या सी सिकनेस भी कहा जाता है। जब भी कोई कार से, बस से, ट्रेन से या एरोप्लेन से ट्रैवल करते हुए ऐसी दिक्कतों का सामना करते हैं तो इस चीज़ को ट्रैवल सिकनेस या मोशन सिकनेस कहा जाता है। तो दोस्तों, इसमें होता क्या है कि किसी भी तरह के सफ़र के दौरान नौजिया होने लगती है यानी जी मचलाने लगता है और उल्टी हो जाती है। तो बात करते हैं इसके रीजंस की कि ये होता क्यों है। दोस्तों, इसका कोई पर्टिकुलर या फिक्स्ड कॉज तो नहीं होता और ना ही कोई पैथोलॉजिकल कारण देखा गया है। इन जनरल अगर बात करें तो यह देखा गया है कि हमारे इंटरनल ईयर का वेस्टिबुलर पार्ट जो हमें बैलेंसिंग में हेल्प करता है, उसमें प्रेजेंट वेस्टिबुलर फ्लूड के मोशन या मूवमेंट की वजह से मोशन सिकनेस की परेशानी होती है। तो अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। दोस्तों, वैसे तो मोशन सिकनेस अपने आप में कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन जो लोग इससे सफ़र करते हैं उन्हें ट्रैवलिंग के टाइम पे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इवन कुछ लोगों में तो यह देखा गया है कि ट्रैवल करने से कुछ घंटे या एक दो दिन पहले से ही उन्हें नौजिया होने लगती है, जी मचलाने लगता है। तो इन सब चीज़ों से बचा जा सके सफ़र में, इसके लिए मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स बताने जा रहा हूँ। तो पहली जो मेडिसिन है वह है कॉकुलस इंडिकस 30। यह मोशन सिकनेस की वन ऑफ द बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। इस मेडिसिन की 3 डोजेज आपने सफ़र करने से एक दिन पहले ही दिन में 3 बार सुबह, दोपहर और शाम को लेनी है, और सफ़र करने से 1 घंटा पहले और आधा घंटा पहले भी 2 डोजेज आपने इसकी लेनी है। और सफ़र के दौरान अगर जी मचलाने लगे तो आप इसे यूज कर सकते हैं। दूसरी मेडिसिन है इपिकैक 30। अगर नौजिया बहुत ज़्यादा होती है लेकिन वॉमिटिंग ना होती हो और नौजिया की वजह से हेडेक होने लगे तो आप इपिकैक मेडिसिन की 30 पोटेंसी हर आधे घंटे में यूज़ करें। इन मेडिसिंस के अलावा आपको सफ़र के दौरान कुछ प्रिकॉशंस भी रखने की आवश्यकता है जिससे मोशन सिकनेस से बचा जा सके। तो पहली चीज़ तो यही है कि सफ़र के दौरान कोशिश करें कि खिड़की से बाहर ना देखें, जिससे होगा क्या कि हमारे दिमाग में एक जो कन्फ्यूजन रहती है कि बाहर की सारी चीज़ें हमारे साथ साथ मूव कर रही होती हैं लेकिन एक्चुअल में वो चीज़ स्टेबल होती हैं। तो इस चीज़ से बचा जा सके इसके लिए कोशिश करें कि नज़रें हमेशा स्ट्रेट ही बनी रहें बजाय इधर उधर देखने के, और कोशिश करें कि कोई बुक, अखबार ना पढ़ें या मोबाइल का प्रयोग ना करें। इसके बजाय आप अपने साथी लोगों से बातचीत करें या हल्के साउंड में म्यूजिक सुनें। सफ़र के दौरान या सफ़र शुरू करने से पहले मीठा खाने से बचें, इसके बजाय आप कुछ चटपटी या खट्टी चीज़ें ले सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा ध्यान रहे कि प्रॉपर वेंटिलेशन बना रहे, गाड़ी के शीशे खुली रखें और समय समय पर सादा पानी या नींबू पानी पीते रहें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।